नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा और व्यवस्था ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, इसे ग्रीन बुक में भी दर्ज किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा प्रबंधन का ब्यौरा ब्लू बुक में होता है, उसके अध्ययन के बाद मुख्यमंत्री जी की ग्रीन बुक का रिव्यू किया गया है। वैसे जब से मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं, बराबर उनकी सुरक्षा का रिव्यू होता रहा है, लेकिन यह प्रश्न तो उठता ही है कि जब 2020 में भी मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को इतना खतरा है तो अंदाजा लगाइए प्रदेश की जनता को क्या कितना खतरा होगा, प्रदेश की जनता क्या हाल में होगी। भाजपा राज में रोज वही कहानी दोहराई जाती है। हत्या, बलात्कार, लूट की खबरों के साथ दिन की शुरुआत होती है। शाम तक और ज्यादा गहराती अपराध की घटनाएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न संबंधित कुल मामलों में 12% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री जी अपनी सुरक्षा पर ही इतना ज्यादा चिंतित है कि प्रदेश की जनता की दहशत भरी जिंदगी के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। ताजा घटनाओं का ब्यौरा ले तो भाजपा राज में भाजपाई नेता भी असुरक्षित है। गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के भाजपा विधायक के मामा की निर्मम हत्या कर दी गई। आजमगढ़ के BDS सदस्य को गोली मार दी गई। मऊ में युवक इटावा में महिला, गोरीगंज अमेठी में बुजुर्ग का गला रेत गया। कन्नौज में किसान युवक और गाजियाबाद में तनख्वाह लूटने के बाद फैक्ट्री कर्मी की हत्याएं हुई। बाराबंकी में युवक का शव फतेहपुर कस्बे में ईदगाह के पास मिला तो फतेहपुर में शिक्षिका की हत्या के बाद पुलिस ने उसका शव 3 घंटे एम्बुलेंस में रखा, नीचे नहीं उतरने दिया। दुष्कर्म की घटनाओं को भाजपा राज में अपेक्षित गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता है। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से बलात्कार हुआ। मैनपुरी के कुरवली थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म हुआ, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि बच्ची के इलाज के नाम पर गांव की पंचायत में 20,000 रुपये आरोपितों से दिलाकर समझौता कर लिया गया। ये कैसी कानून व्यवस्था। अतरौली अलीगढ़ में एक किशोरी से गैंगरेप हुआ। नोएडा में 23 वर्ष की नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप का शिकार बनाया गया। बांदा में युवती से दुष्कर्म किया गया। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कार में सामूहिक दुष्कर्म के बाद लड़की को सड़क पर फेंक दिया गया। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी रोज एक नया अध्याय गढ़ रहे हैं। तमाम वारदातों का पुलिंदा लेकर भाजपा सरकार मौन बैठी है। कानून व्यवस्था बेलगाम है, चारों तरफ भय और आतंक है। मुख्यमंत्री जी के सभी दावे झूठे साबित हुए हैं। अपराधियों के बुलंद हौसलों के आगे सरकार नतमस्तक हो गई है। आखिर कब रुकेगा उत्तर प्रदेश में ये खूनी खेल। प्रदेश में महिला अपराधों पर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब दो। इसकी जवाब जनता भी मांग रही है, क्योंकि जब से आपका शासन आया है तब से लेके अभी तक महिलाएं और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। कभी महिलाओं पर बलात्कार, कभी हत्याएं, ये क्या लगा रखा है। उत्तर प्रदेश पूरा रेप प्रदेश बन चुका है, जंगल राज बन चुका है। आगे क्या होगा और 1.5 साल निकालना है। दोस्तों, 2022 में समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा पूर्ण बहुमत से जीता के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना है। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, नमस्कार।